हम चेक करने वाले, देखिए दोस्तों, ये देखिए अच्छा प्रेशर है, अच्छा पानी है और लीकेज भी नहीं है कहीं पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए 0.2। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन एंड प्लंबर चैनल। दोस्तों यहाँ पे हमने पहले का किचन फिटिंग किया हुआ था, किचन का फिटिंग है। यहाँ पे 2 पॉइंट गीजर के हैं और 1 पॉइंट अपना RO के लिए है और ये 2 पॉइंट ये अपना ठंडा गर्म के लिए है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर। दोस्तों हम यहाँ पे ये मिक्सर लगाने वाले हैं, किचन मिक्सर। सिंक मिक्सर, हाँ यहाँ पे हम सिंक मिक्सर लगाने वाले हैं। तो दोस्तों किस तरह से लगाया जाता है उसके बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ा डिटेल्स। सबसे पहले दोस्तों इसके जो लेग्स है ये हम लगा लेंगे यहाँ पे। दोनों लगा लेते हैं, ये दोनों लगा लिया है। अब दोस्तों करने की है हमें कि अपना जो मिक्सर है उसे लगा के चेक कर लेना है कि इसका कहाँ पे एडजस्ट होता है अपना पूरा फिक्स। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको लगाया है और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। बहुत ही आसान होगा दोस्तों इसे लगाना, ये देखिए दोस्तों आसानी से लग रहा है। अब इसे हम देख लेते हैं कि अपना लेवल में है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों आप सामने से देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों ये लेवल में है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये अपना लेवल में है, आपको लेवल वाले की जरूरत नहीं होगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इससे आप कहीं पर भी मार्किंग कर लें, जैसे यहाँ पे ये निशान बना हुआ है इसके, यहाँ पे भी निशान कर लें कि इसको जब भी टाइट करें तो यहाँ पे इसे अपने रोकना, इसी को हमें यहाँ पे रोकना है और यहाँ पे ये है तो इसको हमें यहाँ पे रोकना है। इस तरह हम निशान बना लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे पेचकस की सहायता से ये निशान बना लेंगे। यहाँ पे अपना पॉइंट है तो इसे हम थोड़ा कट कर लेते हैं। ये देखो ये निशान बना दिया हमने और यहाँ पे भी हम निशान बना देते हैं इस तरह से कि अपने को याद रहे कि अपना, ये देखो दोस्तों निशान बना दिए और हम थोड़ा मार्किंग भी कर देते हैं इसको, ये देखिए और इधर ये कर देते हैं। अब दोस्तों इसको हम खोल लेते हैं एक बार। दोस्तों ये सीपी प्लेट है, ये लगा के देखते हैं कि इसमें कितना अपना पीछे जगह रहता है, उसके हिसाब से इसकी चोटियाँ कटिंग, इसकी जो चूड़ियाँ हैं अपना वो कटिंग कर लेंगे। दोस्तों इतना इसमें गैप है और इसमें भी इतना ही गैप रहेगा, तो हम क्या करेंगे इसकी 3-3 चूड़ियाँ हैं वो कटिंग कर देंगे, फिर इसे फिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों इतना गैप है, ये गैप कम करते हैं तो हम इनको खोल लेते हैं। पहले हम इसका चूड़ी कटिंग कर लेते हैं फिर इसका चूड़ी कटिंग करेंगे। दोस्तों इसे हम ग्राइंडर की ब्लेड से इसे कटिंग कर लेंगे। दोस्तों इसे हम लगा के देखते के बाद, देखो ये हो चुका अपना काम। दोस्तों ये फिनिशिंग हो चुका है अभी, तो इसको कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों इसे लगा के चेक कर लेते हैं कि इसको भी
ये देखो दोस्तों, ये पूरा राउंड हो चुका है। अब ये देखो दोस्तों, हम ये इस पर चूड़ी इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से लगाएंगे वो अच्छा रहेगा। ये देखिए दोस्तों, बीस राउंड इसमें हम लगा देंगे। अब दोस्तों इस पर ये जो अपने टेप लगाए हैं, इसमें हम सॉल्वेंट लगाने वाले हैं। सॉल्वेंट दोस्तों इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हल्का हमारा चूड़ी में कोई लीकेज ना हो चूड़ियों से। ये दोस्तों, अब ये जो चूड़ियों में जो ये सॉरी ये जो सॉल्वेंट लगा है, ये चूड़ियों के अंदर तक चला जाएगा और लीकेज नहीं होने देगा। दोस्तों अपने जो निशान बनाया था वहाँ पे इसको लाके छोड़ देंगे। यहाँ तक हम इसको लगा, यहाँ पे ये निशा लगाया हुआ है, यहाँ तक इसे छोड़ देंगे। ये देखो दोस्तों, अब इसी तरह हम इसको लगाने वाले हैं। तो ये अपना निशान है, ये देखिए ये हो गया। एक बार इसको सेट करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इसे लगा के चेक करने वाले हैं। अब इसमें जो फर्क है उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। ये देखो दोस्तों, पहले हम सामने से एक बार फिर से चेक करते हैं कि ये लेवल में ना। ये देखिए दोस्तों, ये लेवल में है। अब इसे हम फिक्स कर देते हैं। दोस्तों ये वाशर है, ये हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे हम सब लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे किसी हमें प्रिंस की जरूरत नहीं है। अगर आप लेते भी हैं तो यहाँ पे फिर कपड़े लगा लेंगे, फिर इसे टाइट कर देंगे। जो टाइट हो चुका है, अब इसे हम पानी चेक करने वाले हैं। दोस्तों हम पानी चेक करने वाले हैं, अभी काफी इसमें टाइम लगेगा। इस तरह दोस्तों आप फुल 20 मिनट में अपना मिक्सर लगा सकते हैं। दोस्तों पर हमने पानी भर दिया, अभी इसे हम चेक करने वाले। देखिए दोस्तों, देखिए अच्छा प्रेशर है, अच्छा पानी है और लीकेज भी नहीं है कहीं पर। आप देख सकते हैं, ये देखिए 0.2। दोस्तों वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आपसे हम फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।